नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल खाना पचाना में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे दो तरह की चटनियाँ। चटनी नहीं, चटनियाँ, क्योंकि दो तरह की हैं। तो एक हम बनाएंगे हरी चटनी, जो कि हरा धनिया, पुदीना और कैरी से बनेगी, और दूसरी होगी नारियल की चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हरी चटनी। के लिए हमने हरा धनिया लिया है, जो कि एक बड़ी कटोरी लिया है, और ये डंडियों समेत लिया है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक है और इसमें बहुत मात्रा में फाइबर होता है, इसलिए ये मैंने रखी हुई है। और एक बड़ी कैरी ली है, जो कच्ची आम भी कहते हैं जिसे, और तीन हरी मिर्च लिए हैं, और आधी कटोरी मैंने पुदीना लिया है, एक छोटा सा प्याज लिया है, जीरा लिया है, और छोटी सी अदरक ली है, और तीन से चार कलियां लहसुन की ली हैं, एक छोटी चम्मच चीनी ली है, और काला नमक लिया है स्वाद अनुसार, और सेंधा नमक लिया है स्वाद अनुसार। अब सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक मिक्सर ग्राइंडर का जार लिया है, उसके अंदर हमने जो धनिया साफ़ करके धो के रखा था वो डाल दिया है, और इसकी डंडियां नहीं तोड़ी है मैंने, क्योंकि इसमें बहुत ही पौष्टिक तत्व होते हैं, फाइबर और प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो इसीलिए मैंने इसकी डंडियां नहीं तोड़ी हैं। तो इसमें सारा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, और ये जो लहसुन की कलियां ले रखी हैं वो, और एक छोटा सा प्याज डाला है, उसको भी हम बारीक मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे, और वो सब मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और जो अब मैंने कैरी छील के और पीसेस करके रखे थे, टुकड़े करके रखे थे, वो भी डाल दिए हैं, और ये एक चम्मच चीनी, जो कि मैंने देसी खांड ले रखी है, वो भी डाल दी। देसी खांड दोस्तों इसलिए डाली है कि जो इसका जो खट्टा मीठा जो टेस्ट होगा, खट्टा एकदम, वो टेस्ट को पूरा बैलेंस कर देता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में नहीं डालनी है, थोड़ी सी चीनी डालनी है, ताकि बहुत टेस्ट बढ़ जाता है इसका, चटनी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है, वरना सिर्फ खट्टा ही आता है इसमें, फिर काला नमक, सेंधा नमक, और थोड़ा सा हमने पानी डाला है, और अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने मिक्सी का ढक्कन, जार का ढक्कन बंद कर दिया और मिक्सी चालू कर ली है। चटनी जो है दोस्तों, खाने के साथ खाने से, जहाँ जिसकी भूख दो रोटी की होगी वो चार रोटी खाएगा, इतनी स्वादिष्ट लगती है चटनी खाने के साथ। तो आप देखिए, चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और बहुत अच्छी बनी है चटनी, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है धनिया पुदीने की, बहुत लाजवाब बनी है चटनी, और अब हमने एक सर्विंग बोल में निकाल दी है, सर्व कर दी है। अब दूसरी चटनी हम बनाएंगे नारियल की चटनी, जो कि साउथ इंडियन स्टाइल में होगी, और खाने में बहुत ही टेस्टी होगी, और ये ज़रूरी नहीं कि आप इडली और डोसा और मेंदू वड़ा के साथ खाओ, वैसे भी आप खा सकते हैं। इसके लिए हमने फ्रेश कोकोनट लिया है, जिसे कच्चा नारियल भी कहते हैं, और दो चम्मच हमने चना दाल ली है, जिसको कि हमने 4-5 घंटे पानी में भिगो के रखी थी, और अभी थोड़ा इसका पानी निकाल के सुखा लिया है, और 2-3 हरी मिर्च है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, स्वाद अनुसार नमक है, जो कि मैंने सेंधा नमक लिया हुआ है, और हींग है, और तड़के के लिए सरसों का तेल है, और 2 ही चम्मच हमने रोस्टेड मूंगफली ली है, और 1 चम्मच हमने फ्रेश दही लिया है, और तड़के के लिए जो है कड़ी पत्ता लिए हैं, और सरसों के दाने लिए हैं, और ये उड़द की दाल है, जो छिलका उतरी हुई वाइट दाल है उड़द की, और लाल सूखी मिर्च है। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि एक कढ़ाई हमने गैस पे रख दी, गैस ऑन कर दी, और कढ़ाई के अंदर 1 टीस्पून हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और ऑयल गर्म होने के बाद हमने जो चना दाल ली थी, सोक करके रखी हुई थी, उसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 1-2 मिनट, 1 मिनट तक ही करना है बस, सॉफ्ट हो जाए दाल और इसका कच्चापन निकल जाए बस। लेकिन जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वो तो कच्ची ही यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कच्ची दाल, इसलिए मैंने थोड़ी इसको रोस्ट कर ली है। तो अब हमने मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लिया है, और उसके अंदर हमने कोकोनट के पीसेस डाल दिए, चना दाल डाल दी, और जो भी हमने सामग्री ली है
वो हम डालते जाएंगे। अब इसमें एक चम्मच दही डाल दिया है मैंने। अगर आपको दही डालना पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन दही डालने से बहुत अच्छी टेस्टी बन जाती है चटनी। अब जो हमने अदरक ली थी वो भी टुकड़े करके डाल दिए हैं उसके अंदर, और हरी मिर्चें भी डाल दी छोटे छोटे टुकड़े करके। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो ज़्यादा भी हरी मिर्चें डाल सकते हो, मैंने कम ही डाली है। अब नमक डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, बाद में डालेंगे बाकी का पानी, अभी थोड़ा ही डाला है मैंने। अब हम ग्राइंडर ऑन कर देंगे। दोस्तों, खाने के साथ चटनी यूज़ करना तो बहुत अच्छी बात है, चटनी से स्वाद बढ़ जाता है और भूख भी, जहाँ दो रोटी की भूख होगी वहाँ बंदा चार रोटी खा लेगा। अब थोड़ा सा हमने चम्मच के साथ मिक्स कर लिया है, दरदरी पीसी हुई है अभी आपने देखा है, तो मिक्स करके हम और दोबारा से ग्राइंड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएंगे। चटनी जो है खाने को भी बहुत जल्दी हजम कर देती है और भूख भी बहुत अच्छे से लगती है। और हमारे घर में तो नारियल की चटनी हो चाहे हरी चटनी हो बहुत पसंद करते हैं सभी, तो हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बनाती हूँ मैं नारियल चटनी, डोसा इडली मेंदू वड़ा चाहे बने ना बने, लेकिन नारियल की चटनी तो बहुत ज़रूरी बनाती हूँ मैं, क्योंकि सभी को पसंद है। और एक बार ये चटनी बना के आप हफ्ते भर तक फ्रिज में रख के खा सकते हो, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी दोनों चटनी अगर आपको पसंद हो, मेरी वीडियो पसंद हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम ढक्कन खोलेंगे, देखिए हमारी चटनी बहुत अच्छे से बन चुकी है और ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, जैसे हमें चाहिए वैसे ही तैयार हो गई है चटनी। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे और अब हम तड़का पैन रखेंगे गैस पे, और उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है मैंने, तो उसके अंदर अब हम डालेंगे ये उड़द दाल। और अब हम सरसों के दाने डालेंगे इसके अंदर, क्रैकल हो रहे हैं। ये तड़का लगाकर खाने से चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, कई लोग तो बिना तड़के के भी खाते हैं, वैसे भी खा सकते हो आप, लेकिन तड़का लगा के चटनी में चार चांद लग जाते हैं। और अब हमने इसके अंदर दो सूखी लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता डाल दिया है, गैस ऑफ कर दी है मैंने, ज़्यादा जलाना नहीं है एकदम, तो गैस ऑफ कर देनी है जैसे ही सारा क्रैकल हो जाए। अच्छे से मिक्स कर दिया, अब हम ये तड़का जो है चटनी के ऊपर डालेंगे। ये अब हमारी चटनी नारियल की बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनके तैयार हो गई है, तो आप फटाफट से ये ट्राई कीजिएगा और अपने खाने का स्वाद बढ़ाइए, अपने परिवार को खिलाइए, खुद खाइए, इंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा मेरी ये वीडियो। और घर में रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगा के रखिए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।